नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो कल के लिए मतलब 8 जनवरी 2019 के लिए मैंने निफ्टी और निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये निफ्टी और निफ्टी का डायरेक्शन आप लोग को रेगुलर मिल जाएगा। और मैंने जो बाय लेवल और सेल लेवल रहता हो इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का और उसका इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100 EMA का क्रॉसओवर और कैंडल स्टिक पैटर्न और फिबोनाची लेवल जो दिखाता हूँ वो आप लोग को मिल जाएगा, तो रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको चार्ट इसमें और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप और बहुत सारा स्ट्रैटेजी है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का बहुत ही आसान कर देगा और आप लोग आसानी से स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ। इधर आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन मैंने ये फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया हूँ तो इसीलिए इधर थोड़ा सा दिख रहा है ऐसा। तो इधर देखिए, कल जो इधर लंबा जो एक बड़ा बुलिश का सॉरी बियरिश कैंडल बना था उसके बाद आज थोड़ा सा एक डोजी टाइप का या आप लोग स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना है। इधर से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया था, उसके बाद फिर से ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया था, तो ये एक अनसर्टेन कैंडल बना है। तो चार्ट का जो सेटअप है इधर देखिए, इधर 138.8 फिबोनाची लेवल में ये जो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल था, तो इधर थोड़ा सा इस इधर तक मतलब 850 तक आने का पॉसिबिलिटी इसका है। और चार्ट का जो सेटअप है उसको भी लगता है कि ये नीचे आ सकता है, नीचे आने का पॉसिबिलिटी इसका ज़्यादा है। तो इधर जो 138.2% रिट्रेस होकर फिर से ये 61.8% के अंदर जा सकता है, लेकिन ये कैंडल को ये जो कल का जो कैंडल बना था तो ये अभी तक आज ब्रेक नहीं हो पाया है, ऊपर या नीचे कभी किसी जगह पे ब्रेक नहीं हो पाया है। और ये जो आज का कैंडल देखिए, आज का कैंडल के अंदर ये रह गया है। आज का जो आज का कल का जो कैंडल है इसका अंदर रह गया, मतलब इसको ही इनसाइड द बार बोलता है। तो इसका जो फाइलो ब्रेक करेगा तो आप लोग कुछ बड़ा प्रॉफिट बल मूवमेंट देख सकता है 151 का या 12,005 को जब ब्रेक करेगा तो ये आप लोग कुछ बड़ा मतलब मूवमेंट आप लोग को मिल सकता है। और निफ्टी बैंक का देखूंगा तो ये देखिए, इधर जो मैंने जो इनसाइड द बार ये देखिए वन डे का हिसाब से निफ्टी फ्यूचर में ये बन चुका है। मैंने चार्ट में देखा इस सब बाद ही इधर देख रहा हूँ तो ये इसका बन चुका है, ठीक है। और इधर भी होना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, मेरा फाइल में क्यों नहीं आया वो देखना पड़ेगा। इधर भी बैंक निफ्टी का भी ये कल का जो हाईलो था उसके अंदर ही आज का हाईलो रह गया। तो इधर भी आप लोग को 31,850 या 31,201 के नीचे आप लोग को कुछ मूवमेंट दिख सकता है। इधर भी 138 का ऊपर से ये रिट्रेस होके गया है और इधर थोड़ा सा बियरी सारामी जैसा पैटर्न ये बना है बैंक निफ्टी में। इधर 61.8% जो इधर दिख रहा है ये, और इधर भी चार्ट का जो पैटर्न दिख रहा है, चार्ट का जो सेटअप दिख रहा है, तो इधर से इसका भी इस लगता है कि ये नीचे नहीं जाने वाला है। तो देखना पड़ेगा कौन से साइड में जाता है। और निफ्टी बैंक का निफ्टी का जो लेवल देखता है, निफ्टी का जो ऑप्शन चेन देखता हूँ, इधर इसका PCR रेशियो 0.77 है और इधर कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 12,200 में इधर रेजिस्टेंस बना है और इधर लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है।
और इधर पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 12,000 में हुआ है। इधर शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, मतलब थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा ये ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरा जो लगता है ये अभी कंसोलिडेट करेगा, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाया है और ज़्यादा नीचे भी नीचे थोड़ा आ सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा सक नहीं जाएगा। और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन देखूँगा तो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है इस तरह पीसीआर रेशियो 0.62 है और इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 31,500 में इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके बाद इधर कॉल साइड में और पुट साइड में इस तरह 31,000 में इसका सपोर्ट है। इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर जो प्रोबेबिलिटी है जो मैंने कैलकुलेट किया हूँ दो दिन का हिसाब से ये 12,000 का में जाने वाला, मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ये जो इस एक्सपायरी में नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। तो और जो मैंने बाय सेल लेवल दे देता हूँ वो भी आप लोग देख लेंगे, रात में जो मैंने बाय सेल लेवल देता हूँ वो आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने कल का जो बाय सेल लेवल दिया था उधर से बैंक निफ्टी का कैसे हुआ वो भी आप लोग को एक बार दिखा देना चाहता हूँ। देखिए 31,672 के ऊपर बाय था और 31,473 के नीचे सेल था। तो देखता है इधर बैंक निफ्टी का चार्ट देखता है एक बार, 5 मिनट का चार्ट एक बार देख लेता है। तो इधर 5 मिनट का जो चार्ट दिखा रहा है देखिए, इधर 31,500 में इसका ओपन हुआ था, 600 के ऊपर इसका बाई लेवल था, तो 500 के नीचे जो ओपन हुआ था इधर 908 915 तक इसका हाई गया था, 625 से इधर आप लोग एंट्री ले सकते थे है तो, लेकिन इधर एंट्री लेना पहले ही ओपन होने के पहले साथ ही बुलिश कैंडल दे दिया था, तो एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल था। तो तब भी आप लोग 1 मिनट का चार्ट देखेंगे तो हो सकता है एक मिनट या 2 मिनट के अंदर ये जो बाई लेवल आया था तो इसका आप लोग एंट्री ले 672 के ऊपर एंट्री ले सकते थे, तो 900 तक इसका आ गया था। इधर आप लोग 800 के ऊपर भी एंट्री ले सकते थे, तो इधर 900 का ऊपर आ गया था। और इधर सेल का जो लेवल था 473 के नीचे ये 200 तक आया था, या सेल का लेवल आप लोग आराम से ले सकते थे 473 के नीचे। इधर 673 के नीचे ये बुरा आ गया था 200 तक। और निफ्टी का जो लेवल था निफ्टी का जो लेवल है 12,118 के ऊपर ये 181 तक पहले फर्स्ट मॉर्निंग में गया था, एकदम 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ये ऊपर चला गया था ओपन होने के बाद। इधर 12,161 से देखिए 12,181, उसके बाद ये नीचे का लेवल था, इसका नीचे का लेवल था 12,070 के नीचे ये 12,049 तक आया था। तो ऐसे आप लोग देख सकते थे। तो मैंने रात में फिर से इसका बाय सेल लेवल दिखा दूंगा, उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी वाला फॉर्म हुआ तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।